सिर्फ 5 मिनट में बन सकता है ये इंस्टेंट चीज़ बर्स्ट स्लाइडर। आप ये देखिए, खोलने से ही कितना चीज़ बर्स्ट हो रहा है। बहुत इजी है इसको बनाना और साथ ही साथ बहुत टेस्टी भी। ये बहुत ही ज़्यादा चीज़ी है और आप एक बार खाओगे तो इसका स्वाद आपको हमेशा याद रहेगा। मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ ये कितना ज़्यादा चीज़ी है। मुँह में पानी आ गया। तो चलिए इसको शुरू करते हैं बनाना। मैंने एक बॉल में 1 कप ग्रेटेड चीज़, 1 छोटे कप में कॉर्न, 1 कटा हुआ प्याज, 1 चम्मच ओरिगैनो लिया है और मिक्स कर दिया है। चीज़ आप कोई सा भी ले सकते हो, मैंने मोज़रेला यूज़ किया है। आप प्याज यूज़ नहीं करना चाहते हो तो भी ये बन सकता है सिर्फ चीज़ और कॉर्न से। अब मैंने ब्रेड लिया है और साइड से कट कर दिया है। साइड को मैंने ग्राइंड कर दिया है और उसका ब्रेड क्रम्स बना लिया है। ब्रेड क्रम्स में हम लोग 1 चम्मच चिली फ्लेक्स और 1 चम्मच मिक्स हर्ब्स डालकर मिला लेंगे ताकि ऊपर से भी मेरा स्लाइडर क्रिस्पी और टेस्टी बने। अब हम लोग को ब्रेड को पानी में डुबाना है थोड़ी देर तक। ज़्यादा देर तक हम लोग को इसको पानी में नहीं रखना है वरना ये टूटने लगेगा। अब ब्रेड को दबा कर उसका सारा पानी निकाल लेना है और 2 ब्रेड को आपस में जोड़ देना है। अब एक चीज़ का बॉल बना लेंगे गुलाब जामुन जितना और ब्रेड के बीच में रख देंगे और अच्छे से बंद कर देना है और सारा पानी निकाल लेना है अच्छे तरह से दबा दबा कर। इसको जैसा आप शेप देना चाहते हो दे सकते हो। मैंने इसको राउंड शेप में रखा है। अगर आपका चीज़ बाहर आ रहा होगा इसके बाद तो आप थोड़ा ब्रेड लगा सकते हो वहाँ ताकि जब हम लोग फ्राई करेंगे तो मेरा चीज़ बाहर निकल ना जाए। अब इसको ब्रेड क्रम्स में डाल देना है और अच्छे तरह से कोट कर देना है ब्रेड क्रम्स में। इतने सारे मसाले में मेरा 6 चीज़ बर्स्ट स्लाइडर बन गया था। फ्राई करने से पहले मैंने इसको 10 से 15 मिनट फ्रिज में रख दिया था। अगर आपको तुरंत बनाना है तो ये स्टेप आप इग्नोर भी कर सकते हो। अब एक कढ़ाई में तेल डालना है। अब जैसे ही गर्म होगा वैसे ही हम लोग एक एक कर इसमें फ्राई करेंगे। फ्राई हम लोग मीडियम टू हाई फ्लेम में करेंगे। फ्राई हम लोग को तब तक करना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन कलर का ना हो जाए और याद से लो फ्लेम में बिल्कुल भी इसको फ्राई नहीं करना है वरना ये क्रिस्पी नहीं बनेगा। ये मेरा बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो चलिए इसको सर्व करते हैं और टेस्ट करके देखते हैं ये कैसा बना है। मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है इसमें। आप खुद देख सकते हो कितना ज़्यादा चीज़ी बना है। तो मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं रहा जा रहा है तो मैं तो चला इसको टेस्ट करने। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।